तो फाइनली मार्वल ने आज मून नाइट का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसके लिए हम इतने टाइम से वेट कर रहे थे। और दोस्तों ट्रेलर में क्या कुछ बढ़िया देखने को मिला है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मून नाइट ये जो सीरीज होने वाली है वो बहुत ज्यादा यूनिक होंगी मार्वल की अब तक की सीरीज से, क्योंकि हमें ट्रेलर से भी यही बात साबित हो रही है। क्योंकि मार्वल जो अब तक सीरीज दे रहा था हमें वो एक साइड कैरेक्टर्स को लेकर था, लेकिन जो मून नाइट होने वाली है वो बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है। दोस्तों ट्रेलर के बारे में बात करें तो ट्रेलर मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा। इसमें हमें जो लुक देखने को मिल रहा है ऑस्कर आइज़ैक का बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का है। हालांकि हमें सीरीज में कुछ कॉमेडी भी देखने को मिलने वाली है, जो कि ट्रेलर से अच्छी तरीके से साबित हो चुकी है, जिसमें ऑस्कर आइज़ैक को बहुत सारे इल्यूजिनेशन हो रहे हैं एक डबल कैरेक्टर के, जिन्हें डिसऑर्डर है DID का, जो कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है। हाँ दोस्तों इनके अंदर एक डिफेक्ट है जो कि हमें देखने को मिल रहा है, ये अपनी पर्सनैलिटी में दो इंसान को मान रहे हैं और दोस्तों सामने वाले इंसान के लेकर भी कन्फ्यूज है। तो कॉमेडी भी हमें देखने को मिलने वाली उस हिसाब से, और कुछ नए कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे। ट्रेलर देखकर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया दोस्तों। दोस्तों वैसे सीरीज की बात करें तो सीरीज हमें मार्च में ही देखने को मिलने वाली है, तो ये बहुत ज़्यादा कमाल की बात है कि हॉकाई के बाद ही हमें नेक्स्ट सीरीज देखने को मिलने वाली है। दोस्तों बात करें ट्रेलर की तो ट्रेलर बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का देखने को मिला, और जो मून नाइट वाला जो रूप था, जो रोल था, वो हमें ट्रेलर के एंड में देखने को मिला, जहाँ पर ये मून नाइट बनकर किसी को मार रहे हैं और वो कोई आम इंसान या फिर कोई आम चीज़ नहीं है। वो दोस्तों मेरे हिसाब से एक इसी मून नाइट के तरफ से कुछ हमें विलन देखने को मिलने वाला है, तो ये बहुत ज़्यादा कमाल होंगी। इस बार की जो सीरीज बहुत ज़्यादा डार्क होंगी, कई सारे क्राइम सीन्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों यही था मेरा रिव्यू ट्रेलर को लेकर, ट्रेलर बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा। अगर आपको ये रिव्यू और पसंद आया होगा तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए।